अयोध्या से जुड़े 10 ऐसे तथ्य जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहला, कहते हैं कि मंदिर इतना भव्य है कि ये कई किलोमीटर दूर से ही स्पष्ट नजर आएगा। भव्य राम मंदिर के करीब 3 दशक पुराने विश्व हिंदू परिषद के नक्शे में बदलाव कर इसकी ऊंचाई बढ़ाते हुए एक और मंजिल जोड़ी जा सकती है। एक मंडप, एक अतिरिक्त मंजिल के साथ 35 फुट ऊंचे शिखर का विस्तार करने पर मंथन हो रहा है। इसके अलावा अब राम मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। दूसरा, अब ये मंदिर 3 मंजिला होगा। रामलला की मूर्ति निचले स्तर पर विराजमान होगी। विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान राम मंदिर मॉडल की ऊंचाई 141 फुट से बढ़ाकर 161 फुट की जाएगी। राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर में संगमरमर का फ्रेम और लकड़ी के दरवाजे होंगे। इसमें पूरे मंदिर में निर्माण में करीब 1.75 लाख फुट पत्थर की जरूरत बताई गई है। मंदिर के फर्श में संगमरमर लगाया जाएगा। ये मंदिर लगभग 221 पिलर पर खड़ा होगा। चौथा, ये नागर शैली में बना अष्टकोणीय मंदिर है और इसमें भगवान राम की मूर्ति और राम दरबार होगा। मुख्य मंदिर के आगे पीछे सीता, लक्ष्मण, भरत और भगवान गणेश के मंदिर होंगे। ये अक्षरधाम मंदिर की शैली में बनेगा। मंदिर परिसर में संत निवास, शोध केंद्र, कर्मचारियों के आवास, भोजनालय इत्यादि रहेंगे। पांचवा, शिल्प चंद्रकांत सोमपुरा ने 1987 में विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के कहने पर राम मंदिर का मॉडल तैयार किया था। भारतीय शिल्प शास्त्र के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है। छठवां, मंदिर के निर्माण में लगभग 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। कई लोगों का अनुमान है कि 2024 तक मंदिर पूर्णतः निर्माण हो जाएगा। सातवां, L&T कंपनी और चंद्रकांत सोमपुरा जी मिलकर मंदिर का निर्माण करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महामंत्री चंपत राय, निर्माण समिति के अध्यक्ष IAS निपेंद्र मिश्रा हैं। दसवां, प्रधानमंत्री के हाथों भूमि पूजन हुआ और उसमें 40 किलो वजनी चांदी की ईंट तैयार करके नींव रखी गई। इसके अलावा मुगल बादशाह बाबर के वंशज प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी ने भूमि पूजन के लिए सोने की ईंट देने के लिए आगे आए थे।